बंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, आपने T3 नाम का बड़ा टर्मिनल बनाया, आधुनिकतम, सलाम उन लोगों को, लेकिन वो 10 बड़े तालाब को तोड़ के बनाया, उसका पानी कहाँ जाएगा? स्लोप है 12 मीटर का। आज ओंकार जी आए, ओंकार जी बताएंगे, वो तो इसके जानकार है, उन्होंने काम किया है T3 पर, हमारे साथी हैं, आप इनसे मिलिए इसके बाद। तो वो पानी बड़े बड़े अक्षरों में अराइवल लिखा देखता है और आगमन, वो वहीं पहुंच जाता है। दो बार हुआ कि नहीं? उसको हिंदी अंग्रेजी दोनों पढ़ना। तो ये ध्यान रखिए, बनाते जाइए चीजें और तालाब मिटाते जाइए, और फिर आप देखेंगे कि हमारे यहाँ सबसे ऊंची दिल्ली में एक रियासत है, एक हिस्सा है, उसको रायसीना हिल्स कहते हैं, वो भी बहुत ऊंची नहीं है, वो भी डूब सकती है। जी इस तरह की भावना हम NCR के लोगों में कैसे जगाएं, जैसे कि वो इस रिवर रेस्टोरेशन के बारे में कुछ सीरियसली किया जाए। देखिए, एक तो ये बात है कि स्टाइन साहब तो बहुत ही बड़े आर्किटेक्ट थे, आज बल्कि हमको उनकी स्मृति में जरूर नमस्कार भी कहना चाहिए, उन्होंने दिल्ली में कुछ बहुत सुंदर इमारतें बनाई। रिवर फ्रंट हमारा शब्द नहीं है, ना हमारी योजना है। टाइम साहब ने कहा तो उनको धन्यवाद, अच्छा कहा उन्होंने, लेकिन उन्होंने जो कारण बताया उस कारण में, नदी साफ भी हो तो रिवर फ्रंट मत बनाओ। चैनलाइज करते हैं जब आप नदी को, ऐसा करके यूरोप ने करके देखा है, टाइप करके गूगल में देखिए, लंदन की बाढ़, पेरिस की बाढ़, कितने डूबे हिस्से मिलेंगे। नदी का स्वभाव है मियांड्रिंग करके, ऐसे ऐसे करके जाना। यूरोप में मानसून नहीं है, इसलिए उनको थोड़ी छूट है रिवर फ्रंट बनाने की, लेकिन नेचर उनको भी पूरा क्लियर कट सर्टिफिकेट नहीं देने वाला। यहाँ तो बात होती है, वहाँ नहीं होता, मजबूत पहाड़ है और पानी इतना नहीं गिरता, अपने यहाँ 4 महीने में पानी गिरता है। दिल्ली में और साबरमती में तो बनाया ही है, उनका बहुत नाम है, तो लेकिन वो 1.5 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है, और उसमें भी बहुत पैसा फूक गया है, शायद दोबारा नहीं फूक पाएगा उसमें और इससे ज़्यादा की, लेकिन वो किसी भी दिन उड़ा के नहीं जाए नदी, उसको आप सीधा करके रखेंगे तो जैसा इन्होंने कहा सेडिमेंटेशन बढ़ता जाएगा, 2 बरसात, 3 बरसात, 4th बरसात में तो वो साबरमती आश्रम वगैरह सब जगह हलो करके जाएंगे। कोसी, कोसी की कितनी तारीफ हुई, कितनी बड़ी विकास की योजना मानी गई। हम नदी को यो करके रखते हैं तो वो जो सबसे नीचे बहने वाली चीज है वो ऊपर की तरफ बहने लगती और पानी नीचे गिराएगी, इसलिए रिवर फ्रंट वगैरह तो भूल ही जाना चाहिए। और सर मेन जी, जो जमुना को बिल्कुल नाला बना दिया है, तो इसमें हम कैसे लोगों को जोड़ें कि इसका रेस्टोरेशन एक्चुअली हो? अभी अपनी चिंता है जोड़ने की, जोड़ना बड़ा कठिन है क्योंकि हम सबको पानी आसानी से मिलता है, पर गंदा पानी नहीं, नल खोलने से पानी मिलता है, पर उसमें बहुत डेंजरस चीजें। अपने पास सबके पास इतना पैसा आ गया है कि सब तरह के 5 रुपए से लेके 50,000 रुपए के फिल्टर घर के घर में लग गए, हमें उस पानी की क्वालिटी की चिंता नहीं, हम अपने घर की चिंता कर रहे हैं इस समय, सार्वजनिक चिंता हमारी खत्म हो चुकी है। पानी यमुना में सीवर क्यों नहीं बनेगी, गारंटी है, क्योंकि उसका पानी हमने वजीराबाद में 0 डिस्चार्ज करके सब निकाल के घरों में दे दिया, हमने उन सब नलों में से उस पानी को इस्तेमाल करके उसमें अपना सब कुछ गंदा मिलाया और उसको यमुना को भेंट कर दिया, 100 बाल्टी में से 90 निकाला या पूरा ही 100 निकाला और थोड़ा एवोपरेशन कुछ जमीन में, बाकी 90 पानी उसमें डाल दिया। ये तो यमुना का फ्लो हुआ ओरिजिनल। अभी हम गंगा से पानी लाए, भगीरथी से लाए, और आप हिमाचल अभी रोक रहे हैं, वो भी कल आ गया, वो साफ पानी भी गंदा करके यमुना में डालना है, तो यमुना को 3 बोझ ढोने हैं, अपना पानी गंदा ढोना है, गंगा का पानी गंदा करके उसमें जाना है, भगीरथी का जाना है, यही सब करना है। तो नदी को कोई टेक्नोलॉजी साफ नहीं कर सकती, कितनी वर्ल्ड बैंक आ जाए, ये इतनी ही गंदी रहेगी और गंदी होगी,
और किसी के मन में हो कि हम इसको साफ कर लेंगे तो ये अभी कुछ दिनों चलने नहीं वाला। रही बात यमुना की सफाई की, यमुना को जिस दिन साफ करना होगा वो तय कर लेगी तो साफ करके निकल जाएगी, मतलब वो गंदे करने वालों को भी निपटा के ले जाएगी। नदी ऐसे ही साफ होती है, हर साल नदी साफ होती है, हम उसको गंदा करना बंद करें। हमारी अभी कोशिश ये है कि हम नदी को साफ कैसे करें। नदी कहती है कि भाई मैंने साफ कर लिया, अब तुम गंदगी मिलाना बंद कर देना सितंबर के बाद से। वो हम कर नहीं सकते, उसके पीछे कारण यह है कि वो तालाब से जुड़ा है। ये सारी चीजें प्रकृति ऐसी एक दूसरे से जोड़ती है। दिल्ली में 800 तालाब होंगे तो हमें गंगा का पानी लाकर गंदा करके यमुना में नहीं डालना। उत्तर लोड कम हो गया कि नहीं, हमने अपना लिया, यमुना में फ्लो बना रहेगा मिनिमम। अभी हम यमुना से जीरो डिस्चार्ज वजीराबाद से लेके करते हैं, हमारे अपने मोहल्लों में तालाब होंगे, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। बेस्ट टेक्नोलॉजी से ऊपर उठाइए, कोई मतलब एटॉमिक एनर्जी भी होती हो तो उठा लो भैया पानी और साफ कर लो, लेकिन अपना पानी उठाओ, दूसरे का पानी हम चुरा के ला लें। इसके बाद हम सोचें कि हम पानी की चोरी भी करें, यमुना भी साफ हो जाए, सुंदर दिखे। ये सारी चीजें भगवान एक साथ नहीं देता, एक एक करके देता है। जी आपके जो जिप्सम वाली बात बताई जो प्राकृतिक रूप से पानी को रोकने में मदद करती है, तो कभी चर्चा चल रही थी, संभव नहीं हो पाया।